हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राइज एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। चूंकि आपने देख लिया डीसीसी, तो आपको मालूम चल गई होगी कि डीसीसी की फॉर्म आ चुकी है। जी हाँ, डिप्लोमा वाली फॉर्म आ चुकी है। जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं या कोई टेक्निकल डिग्री करना चाहते हैं कि हाँ मैं ज्यादा दिन तक पढ़ना नहीं चाहता, एक दो साल या तीन साल में कोई बढ़िया सा कोर्स हो जाए जिसे कुछ आमदनी आना शुरू हो जाए, यानी एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए डीसीसी की फॉर्म आ चुकी है। डीसीसी 2024 की फॉर्म आ गई है। इसमें मिलनी तीन कैटेगरी है। अब यहां पे देखें, दो से तीन साल में मेडिकल स्पेशलिस्ट बने, तीन कैटेगरी है, लेकिन मैं सिर्फ बायो वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, मैं पॉलिटेक्निक की बात नहीं करने वाला बच्चों, ठीक है। नुकसान से बचने के लिए पूरा देखें तो पूरा देखिएगा ताकि आप कोई चीज मिस ना कर दें। एक आता हुआ कोई बढ़िया सा कोर्स जिसमें आप जा सकते हैं उसे आप दूर ना भगा दें, यानी हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो महिलाएं, जो व्यक्ति ANM करना चाहते हैं, GNM करना चाहते हैं, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट बनना चाहते हैं, अरे भाई नाम का है OT असिस्टेंट, लेकिन असली में वो सर्जन हो जाता है, धीरे धीरे सीख जाता है सब कुछ ना, तो बात आप समझ रहे हैं। तो OT, फार्मा या ड्रेसर, तो उनके लिए ये कोर्स है। अब इसमें हम आगे बात करते हैं, तो सबसे पहले पॉलिटेक्निक। अब इसमें क्या ना, आपके लिए PCM है। क्या है? PCM है। इनकी हम बात नहीं करने वाले, लेकिन हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल की। किसकी? पैरामेडिकल का, ठीक। तो पैरामेडिकल है, और एक है पैरामेडिकल मैट्रिक वाला, मैट्रिकुलेशन वाला, यानी इसमें आपको लो लेवल का मिलेगा, ड्रेसर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ड्रेसर देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी जो हो गया इस पैरामेडिक्स में, आपको क्या क्या देखने को मिलता है कोर्स, तो ANM, GNM, फार्मा, OT असिस्टेंट कहेंगे, ठीक है, OT असिस्टेंट हो गया। तो ये कोर्सेज आपको इसमें देखने को मिलती है। GNM नर्सिंग टाइप का हो गया, फार्मा मेडिसिन से रिलेटेड, और जब फॉर्म आती है ना ड्रग इंस्पेक्टर की, तो उसमें मांगता है कि कम से कम आप ग्रेजुएट हो, क्या हो? ग्रेजुएट। और फार्मा का आप या तो बी फार्मा कर रखे हो या फार्मा में आपका डिप्लोमा हो, तभी आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल होते हैं उस पोस्ट के लिए। तो ये आपके बहुत काम आ सकता है। ड्रग इंस्पेक्टर बहुत अच्छी कोर्स है, बहुत अच्छा पोस्ट है, अच्छी आमदनी है। आमदनी इतनी है, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा कि कितनी कमाई है, मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं इसमें, ठीक। और इनके लिए आपको चाहिए PCB। क्या चाहिए? PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टोटल क्लास 11 एंड 12 का। पिछले साल की मैं डेटा बताऊं तो लगभग 1200 के आसपास तक के बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है। पिछले साल का न्यूज है, डेटा है, तो इस बार भी मान के चलिए वही जाने वाला है। हाँ, बच्चे पिछले साल से बढ़ने वाले हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो लोग कूद रहे हैं कि भाई कोई भी अच्छा कोर्स मिल जाए, करके थोड़ा कमाना शुरू करें, तो ये स्थिति है। तो देर ना हो जाए, आप बढ़िया के चाहत में छोटे को इतना छोड़ दें, जो मिलता है उसे लीजिए और आगे और बढ़िया के लिए लगे रहिए, ठीक है। लगे रहने का मतलब प्रयास कीजिए, नहीं कि लगे हुए हैं, वैसा भी नहीं। ड्रेसर ये आप 10th बेस पे कर सकते हैं, यानी 10वां पास होने के बाद आप ड्रेसर वाला कोर्स कर सकते हैं, उसके लिए कोई 12th का नहीं चाहिए। और ड्रेसर हर हॉस्पिटल में जरूरी है, अच्छी आमदनी हो जाती है, वेतन मिलता है अलग, और जो पेशेंट के परिजन होते हैं वो गिफ्ट में कुछ दे देते हैं वो अलग। हाँ जी, और रही बात कि अब तक तो हम पढ़े नहीं, हम पास कैसे करेंगे, तो राइज एकेडमी आपके लिए लेके आया बच्चों 30 दिन का क्रैश कोर्स 999 रुपए में, ठीक। और इनकी जो बैचेज स्टार्ट होने जा रही है वो 21
अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही है, 21 अप्रैल 2024 से। तो यदि आप भी डीसीसी में पास होकर एक बढ़िया सा कोर्स और आराम से करना चाहते हैं कि भाई कोई भाग भाग नहीं, आराम से कोर्स करते हैं, पास होकर डिग्री मिलेगी, जॉब ले लेंगे, तो डीसीसी की तरफ जाइए। यदि आप 2-3 साल से लगे हुए लेकिन कुछ हाथ नहीं आ रहा है, तो आपके लिए डीसीसी सबसे आसान है, सबसे बेहतर है, और वैसे बीसीसी आ ही रही है। इसके अलावा बच्चों एक सीईटी एग्जाम होती है, क्या होती है, सीईटी 2024, जिसकी फॉर्म ऑलरेडी आ चुकी है। इसकी जो फॉर्म है वो बीसीसी बोर्ड, बीसीईसी, जब आप ये सर्च करेंगे ना, जब आप सर्च करेंगे बीसीईसीई, तो वहीं पे आपको अपडेट्स में नोटिफिकेशन दिख जाएगा, किसका, डीसीसी का। आपको इसका भरना नहीं, इस वेबसाइट पे जाना है। यानी आपको क्या सर्च करना है, आपको क्या सर्च करना है बच्चों, आपको सर्च करना है बीसीसी, और वहां पे जब पेज ओपन होगा, खुलेगा, तो आपको जाना है डीसीईसीई पे, ठीक है, और वहां पे एप्लीकेशन इसका आया हुआ है, जरूर भरे। अब बात करते हैं सीईटी 2024 की। तो जो बच्चे नीट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या है कि एमबीबीएस नहीं तो क्या, एक आता है ना बात, एमबीबीएस नहीं तो क्या, तो बीपीटी है ना, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, तो एमबीबीएस नहीं होता तो आप बीपीटी के लिए आगे बढ़िए, दोनों ही बेहतर है, एमबीबीएस ज्यादा बेहतर है, नो डाउट। लेकिन इसके बाद तो सेकेंड ये है ना, सोना नहीं मिलेगा, हम किससे काम चलाएंगे, चांदी से काम चलाएंगे। अब सोना ना मिले तो बैठे रह जाए क्या, नहीं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात कर लें। तो चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, तो हमारे सामने है 20 हमने सर्च किया, ठीक, ये वेबसाइट खुल चुकी है बीसीसी की। इसके बाद देखिए यहां पे देखें, गौर करेंगे तो इंपॉर्टेंट नोटिस, मैं इसको जूम कर दूं, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ बीसीसी 2024। लो अभी हमने बात कर रखी थी और बात की, और बीसीसी की फॉर्म आ चुकी है, गजब, यानी डीसीसी के वीडियो में बीसीसी का रिवील हो गया, बीसीसी की फॉर्म आ गई। इसके लिए भी हम एक अलग वीडियो सेपरेट बना देंगे, कैसे क्या करना है, ठीक। और इसी में हम बात करें, हाँ इनकी बात करेंगे बच्चों। अब यहां पे देखिए, तो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल इंटरमीडिएट यानी कि माध्यमिक स्तर 10वां, और इंटरमीडिएट यानी कि 12th बेस पे। तो यहां पे हम देखें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रारंभिक तिथि 12 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 11 मई तक जाएगा, 12 अप्रैल से 11 मई। और जो आपका डीसीसी का जो है ना, जो आपका दिनांक 22 जून एवं 23 जून को क्या हो जाएगा, इसका परीक्षा हो जाएगा, डीसीसी का लिखा नहीं आगे, परीक्षा हो जाएगा, ठीक है। और बीसीसी bcc.bihar.gov.in जो इसका वेबसाइट है, यहां दिख रहा होगा, इसी वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, इसी पे सबकी फॉर्म होती है, बीसीसी का भी और डीसीसी का भी, चाहे लेटरल एंट्री हो या नॉर्मल हो। तो 11 मई से पहले भर ले, कोशिश किया जाए कि मई के पहला सप्ताह में, 7 मई से पहले आप भर ले फॉर्म, हाँ भर ले। और 22 जून से 23 जून के बीच में आपकी परीक्षा होने वाली है, 21 अप्रैल से 21 मई तक हम क्रैश कोर्स चलाने वाले हैं, 30-day क्रैश कोर्स है। इसमें हम वही बात करेंगे जो आने वाला है, आप समझ रहे हैं बात को, जी हाँ। तो बहुत ही एकदम टू द पॉइंट, एकदम सोफिस्टिकेटेड चल रहा है, टू द पॉइंट, और जो काम का है वही बात करेंगे, बाकी छाड़ देंगे। और इस तरह से हम तैयारी करने वाले हैं, पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तैयारी करेंगे, और ताकि इस तरह से तैयारी कराएं कि आपका ये एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाए बच्चों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है बच्चों फिलहाल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, और रही बात कि कोर्स की, तो आपको इसके रिगार्डिंग और भी अपडेट्स मिलने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कीजिएगा,
ताकि हर नया अपडेट आपको फटाक से मिले, आपकी इस तैयारी के सफर में आप पीछे न छूट जाएं। बाय बाय, शाइनिंग आउट।